मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अमृतकाल अभ्यास वर्ग का आयोजन भोपाल में दिनांक 8 से 11 जून तक किया गया। आयोजन के समापन सत्र में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार पहुंचे। इस अभ्यास वर्ग में देश भर के सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मंच को 6 संकल्प दिलाए गए हैं। इंद्रेश ने बताया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 21 जून को सार्वजनिक तौर पर देश भर में योग दिवस मनाएगा, जिसमें 2500 इकाइयां शामिल होगी। 29 जून को ईद उल जुहा बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं करने सहित सेवा और दान करने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। नारी के सम्मान में 30 अगस्त को रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाएंगे। प्रमुख केंद्रों पर 100 से अधिक स्थान पर देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। 20 अगस्त से 30 सितंबर तक जन नारायण जनसंपर्क अभियान करेंगे। हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली ताकतों से बचने के लिए अभियान चलाएंगे। 15 लाख से अधिक लोगों से संपर्क कर 3000 मीटिंग करेंगे। वहीं लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि प्रेम और प्यार को धूमिल किया जा रहा है। प्रेम के नाम पर धर्मांतरण और हत्याएं की जा रही है, यही लोग लव जिहाद करते हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। यह भी एक बात की है पक्की कि इस बार 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक लगभग 1.5 महीने का एक जनसंपर्क अभियान करेंगे। 3000 छोटी बड़ी सभाएं करेंगे। 15 लाख से अधिक परिवारों में जाएंगे। हजारों कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त और समरसता, भाईचारा, मोहब्बत युक्त हिंदुस्तान ये बने, इसका एक संकल्प लेकर पत्रक बांटते हुए मीटिंग में करते हुए जाएंगे। यह एक बड़ा जनसंपर्क अभियान करेंगे। ऐसे टाइम में जब लोग मजहब के नाम पर दंगे कर रहे, जात के नाम पर छुआछूत कर रहे, उन सब को मिटाकर एक नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए हम भी योगदान करेंगे। यह एक प्रस्ताव किया है, इसकी रूपरेखा कुछ चर्चा हो गई है, कुछ चर्चा जो टीम है बनाकर करेगी। लगभग 100 से अधिक नए कार्यकर्ताओं को और जिम्मेवारियां राष्ट्र स्तर पर, जोनल स्तर पर और सूबे स्तर पर इन एडिशन इस सारे कार्यक्रम के अंदर दी गई। दो तीन बातें और कह देता हूँ और वो ये है कि यहाँ पर ये बात की गई थी कि हम विदेशी से नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी से। वी हैव ए कॉमन रूट्स। अगर हम अपने बाप पर, दादे पर, परदादे पर, चरदादे, लखड़दादे, सरसरदादे पर जाएंगे तो हमारी सबकी रूट्स सांझी है, एक है, और इसलिए इसका एहसास होगा। कोई भी जाति होगी और कोई भी मजहब होगा पर दंगे और हिंसा नहीं होगी, बल्कि मेल पड़ेगा। तो उस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई सर में, इसलिए वी शुड क्रिएट ए न्यू स्टार दैट वी आर ओ कॉमन रूट्स। इसी का दूसरा पार्ट था, वी हैव ए कॉमन DNA। DNA था ड्रीम आइडेंटिटी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सपना हिंदुस्तानी में आता है, ना अंग्रेजी लेटिन में आता, ना फ्रेंच इटेलियन में आता, ना अरबी तुर्की फारसी में आता है, ना चीनी रशियन में आता, ना जापानी जर्मनी में आता है, हिंदुस्तानी में आता है। इट मीन्स ड्रीम कंट्रोलर भाई, इसका कंट्रोलर ईश्वर है, श्री की है, उसको डायरेक्शन है। जिसके घर में रिहान रूपी जन्नती झाड़ होगा, सुबह शाम उसके दीदार करेगा तो उसको जन्नत जैसा सुकून नसीब होगा। अब ये कुरान शरीफ कहता है, मैं नहीं कहता, आप नहीं होते हैं। इन सब चीजों को अगर देश समझेगा और हम समझाएंगे तो कंफ्लिक्ट मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो लाशें गिरनी रहेंगे। लाशें गिरने से कभी तो बदलना है। हमने तय किया है कि लाशें गिरने वाले युग को बदलेंगे। 30 सितंबर से सर जो अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बात, जनसंख्या नियंत्रण पर भी चर्चा हुई,
सर इसी से जुड़ा एक सवाल है, जो अभियान आपका शुरू दोनों मेरे का तो क्रॉस कर गई तो काहे को मेरे को बनाना है, इसलिए इन्होंने कहा जनसंख्या उस पर भी चर्चा हुई है, जो आए थे स्कॉलर्स पांच उन्होंने इस पर विषय रखा, मुस्लिम स्कॉलर थे सर, हमारे कन्वीनर दोनों बैठे हैं, आप डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अख्तर हैं, मोहम्मद अफजाल जो पहले दिन से लगभग मिले हैं, उसमें पहला ही आया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की स्थिति का, तो यह आया कि पूरी दुनिया के पास जितने अर्थ चीजें हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उसका हमारे पास रिसोर्सेज 4% है, और दुनिया की जो 800 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारे पास 17% तक पॉपुलेशन, तो ऑलरेडी सरप्लस ऑफ पॉपुलेशन अनेक देशों के अनुसार हमारे पास बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। दूसरी बात यह है कि इसी के अंदर से कुछ लोग मजहब और जात डेमोक्रेसी का मिसयूज करने के लिए कह देते हैं कि अपने जात की जनसंख्या बढ़ाओ तो अपने जात का राज आ जाएगा, कुछ लोग कहते हैं अपने मजहब की जनसंख्या बढ़ाओ तो मजहबी राज आ जाएगा, ऐसी अपील कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपनली और अंडरग्राउंड करते हुए लोग दिखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अंदर तीसरी बात यह आई कि जो देश में घुसपैठ हुई, सबसे बड़ी घुसपैठ बांग्लादेश से, और उसके अतिरिक्त छोटी मोटी घुसपैठ और चारों तरफ से होती रही, तो उसके कारण ये तीन कारण बने हैं कि जो जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ गई। जैसे दुनिया के लोगों ने कहा है कि दुनिया की टोटल जनसंख्या ईश्वर के दिए खुदा के दिए रिसोर्सेज हैं, आज हम 125 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन दुनिया की रखते हैं। पत्रकार भाइयों बहनों, हमने एक प्रस्ताव पारित किया यहाँ पर 21 जून को योग दिवस है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो 2500 के लगभग इकाइयाँ हैं वह 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाएंगे। योग शरीर मन बुद्धि और आत्मा के चिकित्सा का सस्तातम मार्ग है, योग का किसी मजहब जाति से नहीं है, यह इसलिए शरीर मन बुद्धि के स्वस्थ करने का सबसे सुंदर मार्ग है, इसलिए मनाएंगे। दूसरा प्रस्ताव किया, अभी मजहबे इस्लाम की ईदुल जुहा आएगी, इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है, वो गाय की ईद थी, इन्हीं गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। ईदुल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, और गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, इसकी अपील करके प्रयत्न करेंगे कि गाय कुर्बानी से मुक्त ईदुल जुहा हो। तीसरा रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन कोई धार्मिक उत्सव नहीं है, यह नारी के सम्मान रक्षा और उसके विकास का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए इसका कोई मजहब नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसकी कोई पार्टी नहीं है। रक्षाबंधन में अभी तक चलते चलते हजारों हजार से लाखों मुस्लिम महिलाएं आज राखी का त्यौहार घरों में मनाने लगी है और मिलकर भी मनाती है, तो ऐसे 100 के लगभग बड़े कार्यक्रम घर घर गली गली मोहल्ले में रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।